कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम इन दिनों मीडिया में बहुत आ रहा है। कभी अपने कुत्ते के जरिए ट्वीट करने के लिए, कभी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने जैसे जुमलों के लिए, तो कभी चुटकी लेने के लिए। राहुल गांधी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी के फॉलोअर के सामने ये कहीं टिकते नहीं। राहुल राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी को या तो राजनीति भाग गई है या फिर वह बदली हुई टीम के साथ बीजेपी को उसी के स्वर में जवाब देना सीख गए हैं। जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या बदले हुए राहुल गांधी 22 साल बाद गुजरात में कांग्रेस की वापसी करवा पाएंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि हिमाचल में सरकार बचा पाना टेढ़ी खीर है, लिहाजा वहां सारी कमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सौंप दी गई है और सारा ध्यान गुजरात पर दिया जा रहा है। यह एक अच्छी रणनीति है। गुजरात में राहुल गांधी मंदिर जाना नहीं भूलते, आरती में शरीक होते हैं, हर भाषण के अंत में गुजरात के विकास पर तंज कसने लगे हैं, नोटबंदी और जीएसटी पर मोदी को घसीटने लगे हैं। मोदी के स्टाइल में ही जुमले जवान पर आ रहे हैं और हर दिन एक ट्वीट किया जा रहा है। राहुल ने एक सदी हुई रणनीति के तहत अमेरिका में बयान दिया, जिस पर बीजेपी के मंत्री उन्हें घेरने लगे और उसके बाद राहुल को राजनीतिक माइलेज मिला, जिसे लेकर वो गुजरात पहुंच गए। सोशल मीडिया पर विकास पागल हो गया ट्रेंड होने के बाद राहुल ने हर भाषण में विकास की बात की। राहुल गांधी दो मुद्दों पर लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, एक है नोटबंदी तो दूसरी है जीएसटी। वह इन दो मुद्दों पर मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों मुद्दों पर बीजेपी चुनावी लड़ाई जीत रही है तो इसका मतलब यही है कि लोग कांग्रेस से इसका विकल्प देने की अपेक्षा कर रहे हैं। बीजेपी का तो कांग्रेस को गाली देकर काम चल गया, लेकिन मोदी सरकार को गाली देकर राहुल का काम नहीं चल सकता। यह बात राहुल गांधी को समझ लेनी चाहिए। बदले हुए राहुल गांधी को तो विकल्प बताने होंगे, तभी जनता को साथ पाएंगे। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।